It's lovely. कितने का दिया? 250 only. क्या चाहिए सर? हमें आगा नहीं, बाहर का माल चाहिए. नहीं, बाहर का माल हम यहाँ नहीं रखते. नहीं, बाहर का माल अपने आप अंदर चला है तो आप क्या कर सकते हैं? क्या? अरे आई है यार. क्या कह रहे हैं आप? अरे समझता नहीं है यार, हम वो माल लेने के लिए आए जो मुफ्त में मिलता है. वो माल जो मुफ्त में मिलता है बाहर का. सुनिए सुनिए, जरा मैनेजर साहब से पूछिए. जी मैं. और पूछिए कि मूंगफली मिलती है क्या, जरा पूछिए. मूंगफली भाई साहब चाहिए और बोलिए आई लव यू. जा गुड लक. अबे जा यार. नहीं यार. आप बहुत अच्छा गाते हैं. आप भी. पहली बार किसी का डांस मुझे इतना अच्छा लगा. थैंक यू. हेलो हेलो. चलो चलो. हाँ. आगे चलो. लड़की है कि पहाड़? वो दरअसल जिना बात ढूंढ रही है. अबे क्या कर रहा है यार? एक्चुअली अभी बोल दिया आई लव यू. क्या कहते? वो दरअसल एक्चुअली हाय हाय हाय. चलना जल्दी, काउंटर क्लोज हो रहा है. चल. अरे मुंह से आई लव यू निकल क्यों नहीं रहा यार? अरे नहीं निकलता यार, जेन्युइन प्रॉब्लम है मेरा. नहीं निकलेगा तो खड़े खड़े बुड्ढा हो जाएगा. जोर लगा के हैया, दम लगा के हैया. निकल 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 दे जा. एक कोलगेट टूथपेस्ट. 32 कोलगेट टूथपेस्ट. 32 दांतों के लिए 32. एक सोप डिश. 25 सोप डिश. 25 एक टॉवल. 100 टॉवल. एक ब्रा. 100 ब्रा. ब्रा? आई एम सॉरी, बनियान. 100 बनियान. देखिए ये सब पैक करा के भिजवा दीजिएगा और ये भी. ओके. अरे जा जा, बोल दे बोल दे. मुंह से नहीं निकल. अरे मन में नहीं, मुंह से निकाल. जा जा बोल दे. जा लोड लगा के हैया. एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मुझे भी आपका डांस बहुत पसंद आया. थैंक यू. एक्चुअली आई निशा. हाँ? जल्दी चल नहीं तो वार्डन चिल्लाएगी. बाय बाय. चल चल जल्दी चल. लीजिए भाई साहब. ओह थैंक यू मैनेजर साहब. ये बिल कितना हुआ? 4,550 रुपए 60 पैसे. 4,550 रुपए 60 पैसे. इतना महंगा लूट बचा रखी है क्या? क्या कह रहे हैं भाई साहब, बिल वही लगाया गया जो इनके दाम है. अजी छोड़े छोड़े, हमको बेवकूफ बना रहे हैं आप. अजी हमने बहुत देखे आप जैसे, 420 करते हैं. नहीं चाहिए सामान. आप जैसे सड़क छाप आशिकों से पेमेंट कैसे लिया जाता है मुझे मालूम है. अजी हमारे पास कुछ है नहीं तो आप लेंगे कैसे? बिल कैसे नहीं देंगे आप? हम लेंगे. कैसे? कैसे? रामो, अशोक, शर्को. मुझे पहले मालूम पड़ा था ये सड़क चाप है. मूंगफली चाहिए. अरे भाग यार, कल मार गया पड़गी, भागे ही नहीं जा रहा तुझसे. बस बहुत हो गया, बहुत हो गया. अपना टायर तो पंक्चर हो गया भाई, अब ये गाड़ी नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. अरे जॉगिंग सेहत के लिए अच्छी होती है यार. अरे क्या बोर करता है यार, सेहत के लिए सुबह सुबह इतनी दूर दौड़ा दिया. क्या बात करता है. देखा मैं क्या देख रहा हूँ? एक काम कर, जाकर उसका हाथ पकड़ ले, उसको बोल दे आई लव यू. चल जाके अपन बोल देते हैं. अरे मैं नहीं, तू यार, तू जाकर बोल दे आई लव यू. जाकर बोल दे. अच्छा दम लगा के. अरे डोंट वरी यार, जाकर बोल दू. जय बजरंग बली. जय बजरंग. जय बजरंग. आई लव यू. अबे यही खड़े खड़े बोल रहा. तेरे दिमाग को क्या हो गया कि यही खड़े खड़े बोल रहा? अबे वहां जाके बोल, वहां जाके बोल. वहां जाके बोलता हूं ना. आई लव यू. हाय गौरी. हेलो. व्हाट अ प्लेजेंट मौसम. जॉगिंग सेहत के लिए अच्छी होती है. वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता था. यही कि मॉर्निंग में जॉगिंग करना बहुत अच्छा होता है. अच्छा? सेहत के लिए. मेरे डैडी भी सवेरे सवेरे यहीं पर आके जॉगिंग करते थे. ओलंपिक में 2 बार नंबर 1 आए थे और एशियाड में 1 बार. रियली? नहीं, वो ओलंपिक में 2 बार नहीं आए थे. What? वो एशियाड में 1 बार आए थे और ओलंपिक में 2 बार आए थे. क्या बोलूं यार? अबे बोल बोल, मुंह से बोल. बोलता हूँ बोलता हूँ काकी. निशा. क्या बात है? वो बात ये है कि मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है. वाह क्या पकड़ा आपने. हमारे आपके ख्याल कितने मिलते जुलते हैं. मैं दरअसल तुमसे कुछ और कहना. तो बोलिए ना, इसमें शर्माने की क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, इसमें शर्माने की क्या बात है. मैं तो तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था कि मैं आई लव यू निशा. अरे बाप रे बच्चे,
इधर आकर के लड़कियों को छेड़ता है। छी, लड़कियों को नहीं छेड़ता तो फिर किसको छेड़ता है? क्या बात करती है आप? कल रात को एक मैंने फिल्म देखी थी। क्या फिल्म थी वो? क्या हीरोइन थी उसकी? क्या फिगर था उसका? क्या फिगर था? बिल्कुल आपके जैसे ही फिगर था उसका। ज़बान संभाल कर बात करना वरना तुझे हवालात में बंद करवा दूंगी। हाँ देखो मत चिल्लाना, मुझे भी आता है। इतना चिल्लाना आपके नाजुक बदन के लिए मुनासिब नहीं है। अगर बंदी करना है तो आप मुझे अपने दिल के अंदर बंद कीजिए। मत कीजिएगा हवा। निशा, नो मॉर्निंग वॉक, नो इवनिंग वॉक, समझी? मुझसे आकर मिलो। नो मॉर्निंग वॉक, नो इवनिंग वॉक। निशा, लगता है तुझे उससे प्यार हो गया। मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, होती है ना? भाई साहब, माताजी, माताजी, माताजी। हम लोग माताजी, ऑल इंडिया प्रेस कंट्रोल से आए हैं। इधर का मक्खी और मच्छर को दूर करने के वास्ते। मैं तुम्हें मक्खी मच्छर दिखाई देती हूँ। You are right. Oh no, I mean, तुम्हारे नाक के ऊपर मक्खी है, तुम्हारे बाल में खटमल है और इधर हवा में बहुत मच्छर है। Really? Oh yes, I am shocked. तुम इधर आराम से बैठा, आराम से घूमता है और उधर मलेरिया का सबसे मच्छर तुमको ढूंढता है। अरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, छोकरी लोगों को किधर किधर काटता है मालूम है? अच्छी, अरे हमको कंप्लेन मिला है। लेकिन हमने कोई कंप्लेन नहीं किया है। अरे यही तो कंप्लेन मिला है। क्या मच्छी मार्केट बना रखा है? ये देखो कितना मच्छर मर गया, आधा उड़ के घर गया। थैंक यू, बोलो। इट्स ऑल राइट। एक्चुअली मैडम, मेरा बात सुनो, मैडम मेरा बात सुनो, मैडम। हेलो हेलो मैडम, मेरे पास सुनो। एक्चुअली क्या हो गया, आज से 6 महीना पहले ऊटी के गर्ल्स हॉस्टल के मैडम को 2 मच्छरों ने काटा और 6 महीने के लिए हॉस्पिटल में गया। What? Oh yes, आज से 9 महीना पहले दिल्ली के गर्ल्स हॉस्टल के मैडम को 2 मच्छरों ने काटा, वो 9 महीने के लिए हॉस्पिटल में गया। उसका बदन सूज कर बटाटा फड़ा हो गया और उसके बाद उनकी जिंदगी का खटिया हमेशा के लिए खड़ा हो गया। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है, राम नाम। आपके लिए अरिनी को देख लीजिए, अभिनी को देख लीजिए। पिछली बार जब मैं पेस्ट कंट्रोल के लिए आया था तो इनका क्या रंग था, क्या रूप था, मगर मच्छरों ने काट काट कर इनकी हालत खराब कर दी है। हाथ पतला हो गया, गाल पतला हो गया है, इनको देखकर मेरा हाल पतला हो गया है। हाँ, और इस मुटल्ली को देखिए, पहले ये श्रीदेवी लगती थी, अब फूल गोभी लगती है। और मच्छरों की वजह से इसका खून पानी हो गया है, हवा भरती जा रही है, ट्यूब भरती जा रही है। यस, मैंने सुना है कि बड़ी खतरनाक मधुमक्खियां आपके आसपास मंडरा रही हैं। मेरे आसपास? मतलब आपके हॉस्टल के आसपास। इससे पहले कि ये खतरनाक मधुमक्खी आपको काटे, आप अपना पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मतलब अपने हॉस्टल का पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए। ऐसा बोलो ना लड़कियों, तुम सब लोग बाहर चली आओ और तुम लोग सब रूम में जाके स्प्रे करो, है क्या, समझे? भाई साहब, भाई तू अंदर का मामला संभाल, मैं बाहर का संभालता हूँ। क्या करता है? अरे बीमारी हटा रहा हूँ मैडम। कहाँ है बीमारी? अरे बीमारी सिर्फ कमरे में नहीं, शरीर के ऊपर भी होती है। शरीर के ऊपर? मैं देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे सारे जहां का हुस्न सिमट कर तुम्हें समा गया। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम सुंदरता की जीती जागती मूर्ति हो या मैं कोई सपना देख रहा हूं? अर्जुन, तुम्हें मेरी आंखों में नीली चीलें तो नजर नहीं आएंगी, मगर इनमें तुम्हारा रूप सदा बसा रहेगा। ये खून गुलाब की पंखड़ियां न सही, लेकिन हमेशा तुम्हारी मोहब्बत का इकरार करते रहेंगे। देखो अर्जुन, मैं एक सीधी साधी लड़की हूँ, बड़ी तकलीफों से मेरी बहन ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है,
तुम क्या तुम मुझे जिंदगी भर इसी तरह प्यार करते रहोगे? इस जन्म में तो क्या, मैं 7 जन्मों तक तुमसे इसी तरह से प्यार करता रहूंगा। सच? आहिस्ता बोलो आहिस्ता। ये बहार, ये वादियां, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये दरख्त सब सुन रहे हैं। लेकिन वो तो बेजुबान है, हमारी जुबान क्या जाने। अरे नहीं निशा, ये सुनते भी हैं और सुना भी दिया करते हैं। वो कैसे? आओ दिखाता हूँ। आओ देखा, अब तुम बोलो। अर्जुन, अर्जुन, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब तुम बोलो, तुम्हारी बारी है। वरना ये वादियां, ये बहार, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये दरख्त सब तुमसे रूठ जाएंगे। ये सब गवाह है हमारे प्यार के। आज अपने पहले प्यार का इकरार गूंजने दो इन वादियों में। ये लोग जो मर्द होकर एक औरत से लड़ रहे थे? औरत से नहीं, सच्चाई से लड़ रहे थे, कानून से लड़ रहे थे। क्योंकि मैं शहर की एक वकील हूँ, एडवोकेट ज्योति ठाकुर। और जिस दिन मैं एक नया मुकदमा ले लेती हूँ, उस दिन एक नया दुश्मन तो पैदा हो ही जाता है। दरअसल ज्योति जी, हमारा पेशा ही ऐसा है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं हमारे दुश्मन और दुश्मनी भी बढ़ती जाती है और हम आगे बढ़ते हैं। आप बड़े दिलचस्प इंसान लगते हैं। थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपको अपने घर चाय पर बुलाकर शुक्रिया अदा कर सकती हूँ? Oh, sure, why not? ये लीजिए मेरा कार्ड। आज शाम को 6 बजे एक वकील को एक इंस्पेक्टर का इंतजार रहेगा। See you. Thank you. Okay, bye-bye. Bye.